उधर ग्वालियर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। लाठी डंडों से 6 से ज्यादा लोगों ने हमला किया। तस्वीरों में एक युवती भी पत्थर मारते दिखी है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि माधवगंज थाना इलाके का यह पूरा मामला है। माधवगंज का वीडियो वायरल हुआ है, किंतु वो 8-10 दिन पुराना बताया जा रहा है और उसमें ऑलरेडी पहले से प्रकरण पंजीबद्ध है, क्योंकि मारपीट जिस तरीके से हुई है उसमें अभी मेडिकल रिपोर्ट आना शेष है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर और भी धाराओं में इजाफा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुना की बात करते हैं, जहां पर एक प्रेमी और उसके परिवार को लव मैरिज के 1.5 साल के बाद अंजाम भुगतना पड़ा। लड़की के परिजनों ने प्रेमी और उसके परिवार को लव मैरिज के 1.5 साल के बाद अंजाम भुगताया। प्रेम विवाह करने वाले लड़के और उसके परिजनों से 1.5 साल बाद मारपीट की। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताएं कि लड़की के परिजनों ने शादी के समय ही गांव छोड़ देने का फरमान सुनाया था, लेकिन प्रेमी जोड़े ने गांव नहीं छोड़ा। गांव के ही कुछ लोगों के समझाने पर मामला दब गया था, लेकिन 1.5 साल के बाद अचानक दबी हुई चिंगारी भड़क गई। लड़की के परिजनों ने मारपीट। लड़की थी उससे मैंने कोर्ट मैरिज किए, सबके सबकी राजीनामा थे। उसके घरवाल में बकायदा पंचनामा बनाया, सरपंच को बुलाया, गांव के 5 लोग बुलाए, उन सबके साइन लेकर कुछ राज खुशी थे, उसको मेरे साथ विदा कर दिया। उसके बाद उन्होंने धमकी दी कुछ दिनों बाद कि गांव छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं जान से मार के जाएगा, सब कहते ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो हमने कंप्लेन भी की है। और खबर तमो से, जहां पर छोटी सी बात को लेकर मुस्लिम समाज ने अपने ही समाज के एक व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। मामला इतना रहा कि मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने हिंदू समाज के व्यक्ति को चुनावी टाइम पर तिलक लगाकर स्वागत किया। बस इसी बात को लेकर समाज ने उस शख्स के यहां आना जाना बंद कर दिया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की, तो पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को समझाया और कहा कि यदि दोबारा शिकायत मिली तो कानूनी कार्रवाई की जाए। में एक हिंदू भाई रहते हैं, उनको हमने गुलाल लगा दी थी कार्यक्रम में। जब से हमारे के समाज के जो दो मुखिया हैं उनने हमें समाज से बहिष्कार कर दिया और हमारे घर में मट्टी हो गई। हमारी दादी का इंतकाल हो गया, जिसमें हमने खाना बनवाया और दावत दी उन लोगों को तीजा में, मगर वो लोग खाना खाने नहीं आए। तकरीबन 10,000 से ऊपर का खाना फेंका। हमें समाज से बंद कर दिया गया है। हमारे शौहर ने टीका लगाया था हिंदू समाज के आदमी को, तो उस वजह से हम लोगों को बंद कर दिया गया है। हम लोगों को कहीं आने न जाने नहीं देते हैं और हम लोग को समाज से मिल के नहीं रहने दे रहे हैं। सामाजिक तौर पर उनका मैटर आया था, जिसमें सभी संबंधित पक्षों को एडिशनल एसपी द्वारा बुलाया गया और बुला के उनको समझाइश दे दी गई और उसकी समस्या को निराकरण करा दिया गया है और बोला गया भविष्य में इस तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए वरना कानूनी कार्रवाई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बीजेपी के मंत्री पर तंज कसा है। बागेश्वर धाम प्रमुख ने कहा कि मंत्री जी ने उन्हें धक्का लगने की शिकायत की, तो उन्होंने कहा कि धक्का लगता ही है, जनता को धक्का लगे नेता को नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ब्रह्मांड में अरबों लोग रहते हैं, उनमें से आप एक हैं, इतनी ही औकात है। बाबा ने यह भी कहा कि मंत्री का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि इससे उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो एक मंत्री जी आए, हम नाम नहीं बताएंगे वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मंत्री जी आए, उन्हें धक्का लगा, धक्का लगता ही है। हम जब अंदर बैठे चाय पी रहे थे, बड़े नाराज, बताओ तो गुरुजी, बताओ तो आपके सेवादारों ने हमको धक्का दे दिया, हमको जानते नहीं, हम कौन है, 7 बार के विधायक हैं, आज तक हारे नहीं, ये वो दुनियादारी। हम चाय पी रहे थे, हमने बैठे ही बैठे चाय पीते पीते कहा, नहीं बहुत बड़ी गलत हो गई। अरे राम राम, बताओ आपको धक्का दे दिया, पब्लिक को चाय धक्का दे देती, आपको धक्का नहीं लगना चाहिए था, जनता को धक्का लगना चाहिए, नेता को नहीं लगना चाहिए। उन्हें लगा ये हमारी महिमा अंगार है, सुबह बैठ गए। जब थोड़ी हमने उनको शांत देखा तो चाय का कटोरा हमने बगल में रखा, हमने कहा सुनिए नेताजी, इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड में यह भी एक ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 195 से ज्यादा देश हैं, 195 देशों में 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है, 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या में एक देश है भारत। भारत देश में भी 1 अरब 140 करोड़ लोग रहते,
उसमें एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी लगभग 22 करोड़ लोग रहते, उनमें हजारों गांव हजारों लाखों लोग रहते, उनमें तुम एक हो ये तुम्हारी औकात है। कमलनाथ के सीएम फेस पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के सुर बदल गए हैं। अपने बयान को लेकर गोविंद सिंह ने कहा है कि साजिश के तहत मेरे बयान को भ्रम फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। गोविंद सिंह ने कहा कि पार्टी के प्रमुख नेताओं की बैठक में कमलनाथ को अपना नेता माना जा चुका है और वो भी बैठक में शामिल थे। गोविंद सिंह ने पहले क्या कुछ कहा और अब क्या कह रहे हैं, दोनों बयानों को सुनवाते हैं। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, हम कांग्रेस की ये परंपरा नहीं है पहले से सीएम घोषित करने की। जब जनता प्रदेश को जनता चुनाएगी, विधायक चुनाएगी, वो हमारा नेता होगा। समाचार पत्रों मीडिया में मेरे बयान को गलत तरीके से छापा है, ये सच्चाई है कि मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उसमें बैठक में मैं भी शामिल था और मैंने भी सहमत दी थी। कांग्रेस पार्टी के प्रति इस प्रकार की मतभेद फैलाना चाहता है ये उचित नहीं है। मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ कमलनाथ जी को नेता मानने में, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और मैंने अनेकों बार इस बात पर कहा है कमलनाथ के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। स्वामी राज राजेश्वरा श्रम विवेक तनखा की मुलाकात, आचार्य प्रमोद कृष्णम की मौजूदगी में बातचीत हुई है हरिद्वार में। 4 घंटे तक बातचीत चली। लोकसभा चुनाव की राजनीति से इस मीटिंग को जोड़ा जा रहा है। आगरमालवा जिले में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मौसम अचानक से बदल गया आगरमालवा में, और तेज हवाओं के साथ काले बादल घिरा है और देखते ही देखते जोरदार बारिश होने लगी। इस दौरान ओले तक गिरे हैं, इलाके में बर्फ की चादर सी बिछ गई, जो तस्वीरों में आप देख भी पाएंगे। जिले में अचानक बारिश और ओलावृष्टि से नौतपा के ताप से लोगों को भारी राहत मिली। मंदसौर में भी बारिश हुई जिसके बाद लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। बारिश के साथ यहां पर ओलों की भी बरसात हुई है। और देवास की बात हम करें तो देवास में तो आज आंधी तूफान आया जिसकी वजह से रोपवे का एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन देवास में मौसम अचानक से बदला था, जोरदार बारिश हुई और ओले गिरे हैं। बारिश के दौरान शहर की बत्ती तक गुल हो गई, 1 घंटे तक बारिश होती रही जिसकी वजह से मौसम में ठंडक खुली। आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के बालसोर पहुंचकर दुर्घटना स्थल का लिया जायजा, राहत और बचाव कार्य के लिए जानकारी अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों से की मुलाकात, दुर्घटना के लिए जानकारी, शोक संतप्त परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा। जायजा लेने के बाद अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, मरीजों परिजनों से की बात, दिया हर संभव मदद का आश्वासन, कहा दोषियों को बख्शेंगे। भोपाल में मदरसों के आतंक कनेक्शन का बड़ा पर्दाफाश, जेएमबी खतरनाक साजिश का खुलासा, मदरसों में कट्टरपंथी लिटरेचर और देश विरोधी किताबों के जरिए युवाओं का प्रिंट पहुंच। एमपी के एक बड़े बीजेपी मंत्री पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का तंज, कहा दुनिया के अरबों लोगों में से तुम एक, यही तुम्हारी औकात। सांसद शंकर लालवानी ने नेपाल के प्रधानमंत्री की विदाई पर दिया अनोखा गिफ्ट, सिंगोल पर बने नंदी की प्रतिकृति की भेंट, गाय के गोबर से बनाई गई है। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरी मध्य प्रदेश की बेटी रोशनी, देवपुरा गांव से मजदूरी करने गया था परिवार, बच्ची को रेस्क्यू करने में जुटी टीम। उज्जैन में पोहा फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया काबू, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी क्या। अदा में सावरिया मैरिज गार्डन के किचन शेड में लगी आग, आगजनी से टेंट हाउस का सामान जला, दमकल ने पाया काबू। नरसिंहपुर में हाईवे पर बिखरी शराब में लगी आग, नेशनल हाईवे 45 का बताया जा रहा वीडियो, शराब से भरा ट्रक पलटने से हादसा।